अज़बलरम बसमिल्लर रहीम अलहदिल्लबिनमी अजीज़ा गिरामी अल्लामक वरम वक्त हमारी गुफ्तू तारीख़ इस्लाम और तारीख़ अहल बैत के बारे में आपकी ख़िदमत में इशल त होगी और तारीख़ इस्लाम का जानना कई हवालों से मुसलमान के लिए ज़रूरी भी है और मुफीद भी है बल्कि हमारे दीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा खुद तारीख़ इस्लाम से मरबूत है पैगम्बर अकरम के हयात तयबा जो त्रेसठ साल आपकी मुबारक ज़िंदगी है फिर उसके बाद अमीरमौमिन की तिरसठ साल ज़िंदगी फिर इमाम हसन मुशतबा इमाम हुसैन आलम तो ये जो त्रसठ साल जब हम गिनते हैं तो इस एतबार से ये तारीख़ इस्लाम का हिस्सा बनता है लेकिन जब उन त्रसठ साल में जो वाक़ अमीरमिन की ज़िंदगी में या पैगम्बर अक्रम की ज़िंदगी में हुए तो पैगम्बर क्राम इस्लाम ने जो उन सूरतों में मखसूस ये जो तेईस साल नब के जो साल हैं उनमें पैगम्बर अक्रम ने जितने भी काम किए या उनके बाद अमीराम आलम ने जितने भी काम किए तो चाहे वो कोई कलाम हो चाहे वो किसी किस्म का आपका कोई जाना फ़ेल हो या आपका हता सुकूत और चुप रहना भी ये सारों के सारे ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं ये इस्लामी एतक़ाद के मुताबिक ये सब के सब हदीस में शुमार होते हैं इन हदीस का जो मफ़ूम अह तसन् ने पेश किया वो हमारे यहाँ उससे ज़रा कदरे मुख्तलफ़ हैं अहले तसन्फ़त हदीस का जो मफ़ूम है वो पैगम्बर अक्रम के अकवाल मुबारक और आपके अफ़ाल और आपका किसी किस्म का रद्दमल जो किसी मौजू के ऊपर आपने चाहे वो सकूत के ज़रिए से अख्तियार किया हो चाहे वो गज़ब की शक्ल में आपने वो अक्सलमल दिखाया हूँ वो सारा का सारा जो है वो अहल सुनत की नज़र में उसको हदीस बोलते हैं लेकिन हमारे यहाँ मजहब अहल बैत में चूँकि चौदह मासूम इत के अतबार से और औरत हुज के अतबार से चौदह मासूमी आलम ये सारे के सारे मुकम्मल तौर पर हजीत में मसावी हैं लहजा हमारे यहाँ जो हदीस का जो तस्वर है मकतब अहलबैत में वो कौल हम लोग तारीफ ये नहीं करते कि हदीस की कि मसला जो कुछ पैगम्बर अक्रम ने फरमाया या किया या मसला आपका जो अक्सलमल है वही हदीस नहीं है बल्कि हम कौल मासूम फेल मासूम और तकरीर और तायद मासूम को हम लोग जो है वो हदीस बोलते हैं तो इस एतबार से ये एक जैसे ये तारीख इस्लाम का भी हिस्सा बनते हैं क्योंकि पैगम्बर अक्रम ने खैबर में क्या फरमाया खदक में क्या फरमाया इसी तरह से हुनैन में क्या फरमाया फतेह मक् पर क्या फरमाया तो ये सारी चीज़ें एक जैसे तारीख इस्लाम का भी हिस्सा बनती हैं और एक एतबार से ये जो है वो हदीस का भी हिस्सा बनती हैं लिहाजा दोनों एतबार से ये जो पैगम्बर अक्रम की ज़िंदगी मुबारक है अमीनमिन की जो ज़िंदगी मुबारक है और इसी तरह से दीगर आइमा की जो आ, हयात तयबा हैं वो मुकम्मल हमारे लिए यानी तारीख़ इस्लाम का भी पहलू से भी देखा जाए तो भी वो बहरान हजत है और वाजबुलतबा हैं और अगर हदीस के अनवान से उसको देखा जाए तो भी वो हजत और वाजबात हैं तो पैगम्बर क्राम इस्लाम के सबसे पहले हम गुफ्तु शुरू करेंगे इन शब्लि पैगम्बर इक्रामी इस्लाम के बारे में आपकी जो बासा आदत है उसके बारे में बहरहाल जय वो मशहूर मुसलमानों के दरमियान जे वो दो कौल हैं अहले तसन् के यहाँ तकरीबा ये बात मुसलम है और सारे के सारे अहले तसन् के जो हैं वो इस बात के कायल हैं के पैगम्बर अक्रम की विलादत या वो बारह रबी अव्ल को हुई जब अलून ने के ऊपर हमला किया तो वाक़ फील के तकरीबन पचपन दिन बाद या पचास दिन बाद पैगम्बर अक्रम की विलादत बात हुई तो इस अतबार से यानी अहलसन के यहाँ जो मशहूर कौल है वो बारह रबल हमारे में से शिया शया में से तकरीबन सिर्फ एक ही आलम दिन हैं जिन्होंने बारह रबल को पैगम्बर अक्रम की विरादत के दिन का दिन करार दिया है वो है मरहुम शेख कुलनी साहिब असूल काफ़ी बाक़ी जो हमारे तकरीबन शिया जो मिलत के दरम्या जो मुसलम ज़्यादा तारीफ मानी जाती हैं, वो सत्रह रबल हैं तो बहरान पैगम्बर अक्रम की जो विरादत है वाक़ फील जो एक तारीख़ का एक बहुत बड़ा वाक़ है जिसमें अबरह जो अतोफिया का राजा था तो वो जो वो यहाँ पर यमन के ऊपर हमला आवर हुआ फिर यमन के ऊपर उसने कब्ज़ा कर लिया फिर उसके बाद उसने वहाँ पर यमन में एक अपना ईसाई चूँकि मसलक का था लिहाजा जो उसने वो एक कलीसा वहाँ पर बनाया चर्च बनाया और अरबों को कहा कि आप लोग सारे के सारे जो है वो उसकी ज्यारत के लिए आए तो अरबों ने जो है उसके बारे में किसी किस्म का कोई तोज्जो नहीं की क्योंकि हजरत इब्राहिम ने वो खाना कहबा बनाया था हजरत इस्माईल आसमाम ने बनाया था उनकी अजीम उशान तो आए और बरकत खान खुदा की तो अब्रह को इस बात पे ऊपर बड़ा दुख हुआ कि सोने चांदी से मैंने बनाया है खाने पीने का बड़ा बेहतरीन इंतज़ाम है कोई यहाँ पर आता नहीं है और ये सारे के सारे अपनी जेब से ख़र्चा करके जाते हैं मक्के और जाके वहाँ पर बल्कि अरबों को भी वहाँ पर जो क्रैश है उनको भी कुछ ना कुछ टैक्स देते हैं तो ये लोग जो है तो उसको बड़ा इस पर गुस्सा आया उस दरमियान में एक और भी वाक़ हो गया कि किसी अरब ने जाकर उसके अंदर जा वो आ, गंदगी कर दी तो जिस पर अब रहा बड़ा गज़बनाक हुआ और वो वहाँ से अपना बड़ा लश्कर लेकर मक्के के ऊपर हमला आवर हुआ और उसमें एक जो ख़ास बात थी वो अफ्रीका से चूँकि अरबों ने असला फ़ील देखा ही नहीं था अरब की सहराई सा, ज़मीन है फ़ील और हाथी अरबों ने तो कहीं देखा ही नहीं था तो वो एक हाथी का भी उसके लश्कर में हाथी भी लाया गया अफ्रीका का था अफ्रीका से वो हाथी लेके आया था तो हाथी का वहाँ पर आना ये उसने आकर जो है वो मीना के अंदर जो मक्के से बाहर है उसमें उसने डेरा लगाया और प्रोग्राम ये था कि आज या कल मसलन आएंगे और हमला करेंगे और खाने का अरबों को हुक्म दिया जो क्रैश थे वहाँ पर मक्के में आ, सारे के सारे जो सत्रह कबाइल थे कुरैश के मक्के में पच्चीस कबाइल जो मक्के में थे कुरैश के सबको कहा कि आप लोग यहाँ से निकल जाएँ वरना सबको कत्लेम कर दिया जाएगा तो उस वक़्त हजरत अब्दुलम सलाम्स सलवा वसलाम उन्लाहे, क्या आपका जब वो हयात तैयब का ज़माना था तो हजरत अब्दुलमलब ने जब वो उनके बीच सौ ऊंट और उससे ज़्यादा ऊंट जाए उन्होंने वो कब्ज़ा कर लिया और लश्कर को खाने पिलाने के लिए वो उन्होंने प्रोग्राम था कि उनको भी ज़ब्बा करेंगे तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम ने तमाम कुरैश को कहा कि आप लोग यहाँ से फ़रार हो जाएं कोई भी यहाँ पर ना रहे सिर्फ मैं जानूँ और ये अब्राहा जाने तो आप अब्राहा की मुलाक़ात के लिए गए तो अब्राह ने कहा कि आप किस लिए आए हैं चूँकि आपका बड़ा अहतराम था पूरे अरब यमन के अंदर भी आपकी अकीदत से लोग जो आपको देखते थे और अकीदत रखते थे तो आपने कहा कि मैं अपने ऊंटों के लिए आया हूँ तो हैरान हो गया उसने कहा कि आप तो अरब के बेताज बादशाह हैं मुझे आपकी बात पर बड़ा ताज्जुब हुआ है कि आप अपने ऊन मांगने के लिए आए आप मुझे ये कहते कि भाई अब रहा तुम जहाँ मे खाना खुदा है अल्लाह का घर है तुम इसको जाना तबाह नहीं करो तो आपने तो बहुत छोटी बात की तो हजरत ने फरमाया कि रबेल वल रब या फज हूँ फरमाया मैं तो ऊँटों का मालिक हूँ और घर का मालिक कोई और है वो जब चाहेगा अपने घर की खुद हिफाज़त करेगा तो फिर हजरत ए, उसने कहा कि ठीक है आप इनके ऊँट जाए वो सारे के सारे वापस किए जाएँ तो जब हजरत अब्दुलमले वहाँ से वापस आ रहे थे तो अब्रह के हाथी को हजरत ने खिताब करके कहा कि अरे हाथी तुम्हें पता है कि ये तुम्हें किस लिए लाए हैं और तुम यहाँ पर क्यों आए हो तो हाथी ने अपनी ज़बान में और सर से इशारा किया कि मुझे या जद अल्लाह मुझे तो पता नहीं है कि मुझे ये किस लिए लाए हैं कहा कि अल्लाह के घर को तबाह करने के लिए तुम्हें ले कर आए हैं और कल ये अल्लाह के घर के ऊपर हमला करेंगे तो तुम आया इस काम के लिए तैयार हो तो हाथी ने कहा कि नहीं मैं तो हार के लिए काम नहीं करूँगा तो अगले दिन जब वो हमला करने के लिए हाथी को उन्होंने उठाया तो जब वो मक्के की तरफ उसको लेके जाते जाते तो वो बिल्कुल मक्के की तरफ़ हरकत नहीं करता था और जब मक्के से मोड़ते तो जिस तरफ भी उसको चलाते वो तेज़ी के साथ जो चलता था तो इतना उसको उन्होंने मारा मक्के की तरफ ले जाने के लिए कि वह हाथी जो है वहीं पर मीना के अंदर जो है वो शहीद हो गया और उसने हमला नहीं किया तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला का वो जो वाक़ फ़ील अबाबिल का जो वाक़ है वो अल्लाह ताला ने अबाबिल को भेजा और इससे पूरा का पूरा जो लश्कर है वो तहसने से हो गया तो इस अज़ीम वाक़ की एक बड़ी दास्तान है तो उस वाक़े के तकरीबन पचपन दिन बाद या अठावन दिन सतावन दिन बाद पैगम्बर अक्रम सल वम की विलादत बासत हुई और ये कि आया सत्रा रबील को हुई या बारह रबुल को बारह एक तारीख़ इस्लाम का एक अख्तिलाफी मौजू है उसमें हमें जाने की ज़रूरत नहीं है कुछ हमारे जो आ, वो पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी जो लोग हैं उन लोगों के हिसाब से उस जमाने में जेठ का महीना था और पहली जेठ छः सौ अट्ठाईस बिक्रमी को ये बनता है और उस साल में जो है वो ईस्वी जो था वो पाँच सौ सत्तर ईस्वी में पैगम्बर इगरामी इस्लाम की विलादत बात हुई तो पैगम्बर ग्रामी इस्लाम की विलादत बात के छः साल बाद आपकी वालदा ग्रामी हज़रत आमना सलामल अल हा वसम जमी मखलूक़ात अल हा वसम जमीबिया के दिल में ये ख़्याल आया कि मैं अपने मरहूम शौहर हज़रत अब्दल् सलामुल्ल के कब्र मतहर की ज्यारत के लिए जाऊँ तो ये भी अल्लाह ताला का एक निज़ाम था और नक्शा था जिसकी वजह से आप जाए वो आपके दिल में ये इरादा हुआ तो आप हजरत अम ऐमन जो हज़रत अब्दुल्ला की कनीस थी उसको लेकर आप मदीना तशरीफ लाए और मदीने में आले आलैद का के बहुत बड़ी एक बड़ी मुनासबत थी वो ये थी दो मुनासबतें थी एक तो ये कि मदीने के अंदर हजरत हाशम जब सफ़र तजारत पर तशरीफ लाए थे तो आपने अरब का जो मदीने के अंदर जो दो बड़े कबीले थे अरब अरबों के एक ओस कबीला था और एक खजरज कबीला था खजरज अलबा बहुत बड़ा कबीला था लेकिन ओस वाले जरा तादाद में थोड़े थे तो कबीले खजरज के जो कबाइल में से मुख्तलिफ जो उनके जो छोटे छोटे ख़ानदान थे उसमें एक कबीला था जिसका नाम था बनी नजार तो बनी नजार की एक बहुत ही सालिया और बातकवा बीबी के साथ हजरत अब्दुल्ला ने हज़रत हाशम ने वहाँ पर इजतवाज किया तो वहाँ से हज़रत अब्दुलमलब जब वो उन उस सलमा के बतन अतहर से हजरत मुत्तलिब की विलादत हुई तो इस अतबार से पैगम्बर अक्रम के यानी दादा के वो ननिहाल हैं यानी हजरत अब्दुलमतलब के ननिहाल हैं और आ, अरब लोगों के अंदर ये रस्म थी कि वो जो वालिद के जो ख़ानदान होता है या वालदा के जो वालदा का जो ख़ानदान होता है उसको सारे को मामा और नाना ही बोलते थे और जैसे हमारे यहाँ हम भी इसी तरह से ये अदब आदाब हैं और वालिद के जो तरफ़ से जो रिश्तेदार होते हैं उसको हम अरब भी चचा और चचा वगैरह और पुफिया बोलते हैं और अरब उसी की इतवा करते हैं हमारे माशरे के अंदर भी जो वालिद की तरफ से जो रिश्तेदार होते हैं हम लोग उनको चचा और पुफिया वगैरह बोलते हैं तो हज़रत आमना सलामल और उम्म अमन और पैगम्बर ग्राम इस्लाम ये जब मैं आपकी उम्र मुबारक छः साल की थी तो आप मदीन तशरीफ़ लाए दूसरी जो बड़ी मुनासबत थी वो हजरत अब्दुल्ला अपने सफ़र तजारत में एक दफ़ा वहाँ पर मदीन तशरीफ़ लाए तो वहाँ पर आप बीमार हो गए और ज़ाहिर कुछ ज़माने के हालात इस किस्म के नहीं थे कि जाना बीमार को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाए तो आपका इंतकाल जो है वो आ, वही मदीने में हो गया तो इस अतबार से एक तो ये कि पैगम्बर अक्रम के दादा मुबारक हजरत मुत्तलिब के ननियाल थे वहाँ पर नाना वगैरह और मामू वगैरह थे और दूसरे एतबार से जो है वो आपके आपके जो वालद ग्रामी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि की कब्र मतहर भी वहाँ पर थी मैं जब वहाँ पर अल्लाह ताली ने मुझे तोफ़ी दी वहाँ पर मक्के में गया तो मुझे एक कदीमी जो वहाँ पर एक इंजीनियर थे उसने मुझे बताया कि ये जो मस्जिद नबी है और पैगम्बर अक्रम का रोज़ा मुबारक है उसके जो है ना वो जब आप खड़े होंगे तो दाएं तरफ जो है वो बाएं तरफ जन्नतलबकी है पैगम्बर अक्रम के रोज़े के और जब वो दाएं तरफ जाए वो पैगम्बर अक्रम के वालद ग्रामी का रोज़ा था इन इन आले सऊद और आले बल्कि इनको आले सऊद तो नहीं कहना चाहिए बल्कि इनको आले यहूद ही कहना चाहिए तो उन्होंने हसद की बिना पर और आसार इस्लाम को माफ़ करने के लिए उन्होंने पैगम्बर पे, अक्रम के वालद ग्रामी का मकबरा जो वो गिरा दिया ये मस्जिद के बिल्कुल आ, जो है वो मस्जिद असली जो मस्जिद है उसके दाएँ तरफ जो वाक़ था और उसके मगरब में ये था मशरक़ में जन्नतलबकी है और मगरब में जहाँ है हजरत अब्दुल्ला का रोज़ा मुबारक था तो हजरत आमना वहाँ पर कुछ दिन रहीं और उसके बाद जो है वो वहाँ कर जो हजरत अब्दुलम तलब के जो ननियाल थे उन्होंने बड़े तहफ़ भी दिए हदाया भी दिए बड़ा अहतराम किया बड़ी इज्जत अहतराम किया और जब हजरत आमना सलाम्ल मक् वापस जा रही थी तो तकरीबन मक् से एक सौ चालीस पचास किलोमीटर दूर जब वो जब आप पहुँची अबा का एक मकाम है तो वहाँ पर आपका इंतकाल हो गया और इस तरह से पैगम्बर अकरम सल्ह सालद की तरफ से तो यतीम थे ही वालदा की तरफ़ से भी यतीम हो गए और फिर हजरत अब्दुलमलब ने अपने एक सबसे जो बड़े बेटे थे जिनाब हारिस उनको भेजा और वह जो है हजरत पैगम्बर अक्रम को और उम्मन को मक्के लेकर आए और आपकी जो खबर मतहर है वहाँ पर अवा में बनाई और वहाँ से आप जो है वो दोबारा मक् में तशरीफ़ लाए अब ज़ाहिर है कि आपकी जो पूरी की पूरी ज़िम्मेदारी आपके जदमजद हजरत आब्दालमतल सलाम्ल ने ली और आपकी इज्जत के साथ इंतहाई एहतराम के साथ आपकी परवरिश को जारी रखा लेकिन उनकी भी उम्र मुबारक जो है वो ज़्यादा उसने धूल नहीं पकड़ा तो जब आप आठ साल के हुए तो हजरत अब्दुलब का भी जो है वो इंतकाल हो गया लेकिन इंतकाल से पहले आप एक यतीम हैं जो माँ भी नहीं है जिसका बाप भी नहीं है तो वो यतीम बच्चा ज़ाहिर के कि किसके हवाले करें तो हजरत अब्दुलमलब ने अपने बेटों को बुलाया आपके बारह बेटे थे तो उनको बुलाया और पूछा कि आप में से जो वो कौन है जो मेरे बाद इस बच्चे की किफालत करे और उसको बाप की तरह उसको प्यार दे और उसको बाप की तरह उससे महब्बत करें तो पहले तो आपका इरादा था कि आप अपने बेटों में से किसी से पूछें लेकिन फिर आपके अल्लाह ताला ने आपके दिल में ये बात डाली कि नहीं मोहम्मद ख़ुद इतना अकल वाला है और इतना अक्ल कामिल है कि क्यों न मैं इससे ख़ुद पूछूं कि ये मेरे अपने चचों में से किस से ज़्यादा मोहब्बत करता है और किसको किसके पास रहना पसंद करेगा क्यों ना मैं उनसे सवाल करूं तो हजरत अब्दुल अब्दुलमतलब अलैहि ने जब पैगम्बर इक़रामी इस्लाम उस वक़्त छः आठ साल के जब जा वो ज़ाहरी तौर पर बच्चे थे तो उनसे पूछा कि बेटा तुम किस चचा के साथ रहना पसंद करोगे अब मेरी ज़िंदगी बस अब ख़त्म होने वाली है मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ तो तुम अगर मेरे जाने के बाद किस चचा के पास रहना पसंद करोगे तो पैगम्बर इगरामी इस्लाम सली वम ने इशारा किया कि मैं जनाब अबूलब के पास रहना पसंद करूँगा और उनके घर में रहना पसंद करूँगा चूँकि हजरत अबू तालिब जो है वो दो अतबार से आपके साथ जो जा है वो ज़्यादा करीब थे एक तो हजरत अब्दुल्ला और हजरत अबू तालिब माँ और बाप दोनों के अतबार से जो वो सगे भाई थे और दूसरा यानी खुद हजरत अब्दुलब की हयात तय्यबा के अंदर भी हजरत फातिमा बिनते असद पैगम्बर ग्रामी इस्लाम से इंतहाई महब्बत करती थी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी अगरचे पैगम्बर अक्रम की वो चचा थी चची थी लेकिन उनकी जो अकीदत और मोहब्बत थी वो एक अजीब थी लादा दोनों जहाज़ से हजरत पैगम्बर गिराम इस्लाम वसल्लम ने कहा कि मैं जदमजद में चाहता हूँ कि मैं अपने चचा हज़रत अबू तालब सलाम्ला के साथ रहूँगा तो इस तरह से हजरत अब भी हजरत अब्दुलमलेब भी बहुत खुश हुए कि बेटा मैं जैसे ख्याल करता था कि तू अकेले कुल है वाक तू अल है और तूने सबसे बेहतरीन इंतखब किया और फिर कुछ दिन बाद हजरत अब्दुलमलब के जब वो बहराल वफात हो गई तो हजरत अब्दुलमलब को भी आपके जदमजद के साथ चूँकि आपके वालद ग्रामी हजरत हाशिम वो आजकल ये फलस्ती के अंदर गजा के अंदर जहाँ पर ये यहूदियों ने कब्ज़ा किया हुआ और मुसलमानों के उस ममलकत के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ तो गजा में हजरत हाशिम की जो कब्र मतहर है वो गजा के अंदर है जो फलस्तान के अंदर और हजरत अब्दुलमनाफ़ जो हजरत हाशम के वालद ग्रामी थे, थे उनकी कब्र मताहर हो में जो हजून का एक इलाका है मदीने में मक्के से तकरीबन हरम मतहर से मेरे ख़्याल में दो या तीन किलोमीटर के फ़ासिले पर है तो हजून में हज़रत अब्दुलमनाफ़ को दफ़न किया गया हजरत अब्दुलमलब को भी उनके जवार में अपने दादा के जवार में हजरत अब्दुलमलब को भी वहाँ पर दफन किया गया फिर उसके बाद हजरत खदीजा का इंतकाल हुआ उनको भी वहीं पर हुन के कब्रस्तान में अपने जदमजद हजरत वालद ग्रामी हजरत अब्दुलमतलब हजरत जब अबूल सलाम उल्ला का इंतकाल सलाम उल्ल का इंतकाल हुआ तो उनको भी उसी वाले वालब्रस्तान में अपने दादा हजरत अब्दुलमनाफ़ और वालद ग्रामी हजरत अब्दुलमतलब के साथ दफ़न किया गया हजरत खदीजा का भी इंतकाल हुआ तो ये इनको भी उसी कब्रस्तान में पैगम्बर अक्रम ने दफन किया और जो पैगम्बर अक्रम के जो बेटे मदीन में तयब ताहिर फोत हुए थे उन हस्तियों को भी उन पाकिज़ा हस्तियों को भी हजून वाले कब्रिस्तान में अपने आबाओं अजदाद के साथ जब वो पैगम्बर कराम इस्लाम ने दफन किया तो इस अतबार से हजून वाला कब्रिस्तान भी एक तारीख़ इस्लाम का एक बहुत मुक़दस तरीन क़ब्रस्तान है कि जहाँ पर इस्लाम की अजीम तरीन हस्तियाँ वहाँ पर मदफ़ून हैं लेकिन अल्लात करे ये इस अल सर के, के इस जैसा कुछ शजरा खबीसा बनी हमैया और यजीद के बाद कोई तारीख़ इस्लाम में नहीं आया इन मलाइन ने उन हस्तियों के कबूर को भी मिटा दिया और मक्के के ऊपर जब हमला किया तो उनको मिटा कर तहस नहस कर दिया आ, हदफ तो यह था कि पूरे तारीख इस्लाम को ही इस तरह से मिटा दिया जाए कि तारीख़ इस्लाम में अगर चिराग ले कर अरबी ढूँढ लें तो कहीं पर कोई इस्लाम का नाम निशान ना मिले लेकिन ये अल्लाह है जो बहरान जिसने इन जवात मुक़दसा के को बाकी रखा है और वो अल्लाह ताली के फजल से ये ज़ात मुकदसा के अनवार ताहरा ताला, ताला पूरी कायनात में जारी व सारी रहेंगे तो पैगम्बर अकरम की ज़िंदगी का जो एक बड़ा हिस्सा है वो यहीं पर तमाम होता है फिर इन ताला त हम तारीख़ इस्लाम के कुछ और मताले लेकर अगले प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे असलम आलकम वाला वबरकू